हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और आज लव की छुट्टी है स्कूल की। तो हमने ना कुछ प्लान बनाया था, मतलब मैंने और लोगों कहीं जाने का, किसी के घर जाने का, सीधा जाना वो आगे आएगा दुल्हन साड़ी में, बता दूँगी आपको जब मुड़ना होगा। तो हमने प्लान बनाया था कहीं का, पर वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया। तो अब मैंने उसको मॉर्निंग से बोल रखा था जाना है। तो अब वो सुबह से उसको ये होता कि नहीं जाना है, तो मेरे पीछे पड़ गया, चल। तो मैंने कहा चल फिर मैं एक काम करते हैं, लालजी के पास चलते हैं। वहाँ गए भी एक महीना हो चुका है, पिछले महीने गई थी मैं, जब मम्मी के यहाँ से आई थी छुट्टी में गई थी। तो मैंने कहा चलो दादाजी के यहीं लेके चलती हूँ, मतलब किसके बूढ़े नाना जी और मेरे दादाजी। तो बस मैंने कहा वहीं चलो, चलते हैं, रिक्शे में बैठे हैं अभी हम। इसको तो बस एक बार बोल दो ना, बस उसके पास जाना ही होता है हर कहीं ना। अब सोचो जब कभी कन्फर्म हो ना तभी बोल। नमस्ते, मैं तो आपको फोन मिला रही हूँ, आपका नंबर भी नहीं लग रहा, नंबर भी नहीं लगा। बस यहाँ तो न्यूज चली है, बस आ गए हम घूमते घामते, मैं और लव और कौन आएगा, बस अरुणाचल प्रदेश में। और क्या सोच रहे हो, और कौन आएगा उनको बदलने पर? दरअसल मुझे बोलेगा देखो कह रहा मेरे बैग में पैसे ले लिया भैया, दे दिया। थैंक यू बोलो। रुक जा। ये ले लो एक चिप्सी वाला, ये खा लेगा ये। तू भी खाएगी? हाँ एक मैं भी खाऊंगी। चल। बस और कुछ नहीं देगा वो, बिस्कुट नहीं खाएगा वो, बिस्कुट खाता है नहीं खाएगा वो, चिप्स ले लिया उसने। दीदी क्या, दीदी नमस्ते, और दीदी धो रही है बर्तन, और यहाँ भी चल रखा टीवी। कोई नहीं है, यूट्यूब में वीडियो है। दादी कह रहे कौन है, ये सब ऊपर ले जा पहले, खाओ ऊपर बैठो, ऊपर बैठ। चलो ये देखो, ये मेरी बुआ के घर के अंदर गाय आ जाती है रोटी खाने के लिए, दो बाहर जाना वहाँ पे काम, मुझे डर लगता है, माता थोड़ी हूं मुझे डर लगता है। ये आ गई गाय, माता आ गई है, अब गोबर कर देना वहीं पर ही। ये देखो आंखें चमक रही है, चलो चलो हो गया आज का कोटा हो गया। लव देखो काओ आ गई काओ, मुझे तो डर लगता है भैया। तो ये है मेरी बुआ की छोटी सी किचन, दिखाओ जरा किचन दिखाओ पहले। तो यहाँ पे बर्तन धो के रखे हुए हैं, मैंने बुआ से बोला था यहाँ पे कि दीदी यहाँ पे एक वो ले लो, क्या रैक नहीं टब, छोटा सा टब आता है, मैंने भी लेते, उसमें क्या होता है ना पानी भी ऐसे नहीं नीचे नहीं गिरता ना, और उसमें रखे रहते हैं। उसमें ये है कि अगर आप बर्तन ना भी लगाओ ना, तो जो जो यूज़ करने वो उठाते जाओ और वो करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं भी ऐसे रखती थी साइड में, फिर क्या होता था साइड में रखा तो कुछ कभी कुछ पड़ रहा, ये टब में अपना साइड उधर कर दिया साइड में, ये रहता है छोटा वाला। खाली भी होगा तो कहाँ रखूंगी उसको, जगह भी कहाँ है। मैं क्या कह रही हूँ, खाली करना ही नहीं है, मैं तो खाली करती नहीं कभी उसको। मैं तो जो यूज, हाँ जो यूज, उस पर तो पानी पूरा निखर जाता है, सारा टब में इकट्ठा हो जाता है। ये तू सही बोल रही है ना, हाँ जैसे यार मैं रोटी बना रही हूँ, हाँ मैं परात रखने के लिए जगह नहीं रहेगी यहाँ पे। तो आप परात में बनाते हो रोटी? मैं तो परात में आटा गूंथ के मैं तो उसमें डोंगे में डाल देती हूँ ना। हाँ मैं तो ऐसे करती हूँ, नहीं मैं तो डोंगे में डाल देती हूँ, क्योंकि परात का क्या होता है ना, वो गिरता है फिर नीचे मेरे उसमें स्लिप में से नीचे गिरता रहता है फिर आटा, फिर मैं उस तो डोंगे, फिर डोंगे में ये ना रोट, अगर आटा बच जाए तो डोंगे में रख के अंदर रख दो, परात में बसता है तो उसके लिए भी डोंगा अलग से करना ही पड़ता है, फिर मेरा आटा बसता ही। तो यहाँ बन रही है चाय, क्योंकि हम चाय पीने आए हैं। हाँ ये कितने टाइम में साफ करते हो आप दीदी?
मेरे तो यहाँ पर गंदा हो जाता है, लीस 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 लग जाती है मेरी तो। आपको तो वो भी नहीं है ना? अच्छा ये है ना यहाँ पे करने का। मेरी मेरी ली मेरी तो पूरी लीस लगी रहती है, तो मैं तो बहुत कम हफ्ते में एक दिन करती हूँ बस ऐसा करके साफ। इसमें तो धूल जम जाता है थोड़ा, हाँ। जाता है, लेकिन एक टब तो दीदी टब टब ही बोल रही हूँ, हाँ टब टब तो ले ही लो यहाँ के बर्तनों के लिए। बड़ा वाला नहीं, तीन साइज आते हैं टब के, एक आता है बड़ा वाला, एक आता है मीडियम, एक आता है स्मॉल। स्मॉल लवली के पास है, मीडियम वाला है मेरे पास भी। एक आता चाय, चाय बातों बातों में चाय गिर गई। और ये मेरे दादाजी अपने दूसरे मोबाइल में, हाईटेक मोबाइल जो कि अलमारी में रखे रखे ही खराब हो गया। हाँ दादाजी, ये मोबाइल दादाजी यूज़ करते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने के लिए, कभी लवली को कभी मुझे, बाकी ये अलमारी में पड़ा रहता है। हाँ दादाजी, ये अलमारी में रखे रखे कैसे खराब हो गया ये फ़ोन जी का? हाँ दादाजी, कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे? लेकिन किसका ढूंढ रहे हो नंबर? अंकी, अंकी अंकी का नंबर ए से ढूंढो ना, ए पे। ए पे तो कितने ही हो, अतुल आया हुआ अब यहाँ करो, ये वाला करो, नीचे वाला दबाओ, नीचे वाला दबाओ, ये वाला दबाओ, ये वाला दबाओ, ये वाला, हाँ दबाओ, अब करो। अंकित आ गया, बस रुक जाओ, ये करा, बैक बैक करो, ये करना है। अब देखो ये रहा अंकित, देख लो पहले अंकित नाम कहाँ है, देख लो आप, देखो अंकित नाम कहाँ है पहले, दिख रहा है? हाँ मिलाओ, अब मिलाओ, नंबर तो मिलाओ, हाँ। अब जब काटना होता है ना दादाजी, तो ये रेड वाला दबाना है, ये नहीं कि बैक कर दो, आपसे बैक कर दे तो कॉल लगी रहती है ये काटने के लिए। अगर कॉलिंग होगा तो उसका मतलब है कॉल नेट ऑन नहीं है सामने वाले का, अगर रिंगिंग है इसका मतलब नेट ऑन है। तो ये अंकित को यानी कि मेरे भाई को कॉल लगाई जा रही है, जो कि हमारा कॉल तो कभी उठाता नहीं है, आपको उठा देता है। तो ये आ गई मेरे दादाजी की कम मीठे वाली चाय, और दादाजी देख रहे हैं यहाँ पे अपने मैसेज, अभी आएगा मैसेज पढ़ लेना। ये आ गई मेरी चाय नॉर्मल वाली। रोको रिक्शा वाले को, रोको रिक्शा वाले को, रोको रोको रिक्शा वाले को, भैया आओ चलो बैठो।